हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग से आउट की गई है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। यहाँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन और इन्वाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट इन वेरियस ग्रुप ए, बी एंड सी के लिए है वैकेंसी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर NEIGRE3/15/2014 PT7 डेटेड 17 अक्टूबर 2023, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। परमानेंट पोजीशंस की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी नॉन टीचिंग पोजिशन में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में 1 वैकेंसी है। लेवल 7 की सैलरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, साथ ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस कैश अकाउंट एंड बजट इन वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिसेस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है। स्टोरकीपर में 6 है। असिस्टेंट डायटिशियन में 1 वैकेंसी। सभी में लेवल 6 की सैलरी है एंड सभी में 30 ईयर की एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस कैश एंड अकाउंट में मांगा गया है। स्टोर कीपर के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या आपके पास डिप्लोमा या डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, परचेजिंग, लॉजिस्टिक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायटिशियन के लिए अगर आपके पास एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस में, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में है या एमएससी फूड सर्विस मैनेजमेंट डायटेटिक्स में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी सेम ब्रांच में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की बात कर ले तो यहाँ पर 5 वैकेंसी है। मेडिकल सोशल वर्कर में 2 है। जूनियर इंजीनियर में 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में भी 1 है। फिजियोथेरेपिस्ट में भी 1 वैकेंसी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में भी 1 वैकेंसी है। एंड वार्डन, लेडी वार्डन में 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन एंडोस्कोपी में भी 2 है। एंड टेक्नीशियन न्यूरो मेडिसिन में 4 वैकेंसी। हेल्थ इंस्पेक्टर में 1 है। फार्मा, इन सभी में लेवल 6 की सैलरी दी गई है। तो देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर की मांगी गई है। रेडियोग्राफर के लिए अगर आपके पास बीएससी रेडियोग्राफी में है या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, एक्सरे में तो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मेडिकल सोशल वर्कर के लिए मास्टर डिग्री सोशल वर्क अप्लाइड सोशियोलॉजी में है, साथ ही 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सोशल वर्क में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 35 ईयर की एज दी गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकली बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है, या आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में भी सेम है, अगर आपके पास बीटेक सिविल में या डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिग्री इन फिजियोथेरेपी में मांगा गया, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मांगा गया है, बीएससी या बीएससी के साथ में डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन, लेडी वार्डन के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन या ईस्टर्न मैनेजमेंट में होना चाहिए। टेक्नीशियन इंडोस्कोपी के लिए अगर आपके पास 10+2 साइंस है, साथ ही आपके पास बीएससी या डिप्लोमा इंडोस्कोपी के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए बीएससी किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है, साथ ही एमएससी आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन में, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या बीएससी किसी भी डिसिप्लिन में है, आपके पास डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स में है एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए बीए या बीएससी के साथ में 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1.5 ईयर का ट्रेनिंग कोर्स मांगा गया है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट में यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या इक्विवेलेंट डिग्री है फार्मेसी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी टेक्निशियन के लिए बीएससी फिजिक्स में मांगा गया है, साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अगर आपके पास जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन में यहाँ पर 12 वैकेंसी है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में 4 वैकेंसी है, जो ट्रांसलेटर में 1 वैकेंसी। लेवल 5 की सैलरी सभी में है। अगर आपके पास बीएमएलटी या बीएससी विद केमिस्ट्री के साथ में जूलॉजी या बॉटनी आपका एक सब्जेक्ट है बीएससी लेवल में तो अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में मांगा गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश में है, साथ ही हिंदी इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे कोर सब्जेक्ट है, या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट पे है, हिंदी इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी पे या एनेस्थीसिया पे या ऑपरेशन थिएटर में मांगा गया है, या 12+2 साइंस के सब्जेक्ट साथ में आपके पास डिप्लोमा ओटी या एनेस्थीसिया में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, 1 वैकेंसी लेवल 4 की सैलरी है। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में 1 वैकेंसी लेवल 4 की सैलरी यहां पर भी है। ग्रेजुएशन के साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, 18-27 साल की सभी में मांगी गई है। एलडीसी के लिए 10 वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी है। 10+2 के साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए 7 वैकेंसी है, 10+2 के साथ यहाँ भी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। क्लासरूम असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, यहाँ पर 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी में होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। CSST असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 2 वैकेंसी है, यहाँ पर थिएटर असिस्टेंट कोर्स CSST डिप्लोमा कोर्स के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपके पास 1 ईयर का CSST ऑपरेशन में ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन के लिए 1 वैकेंसी है, यहाँ पर 10th क्लास के साथ में अगर पास डिप्लोमा या ITR सर्टिफिकेट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड सभी के लिए जनरल OBC EWS के लिए 500 की फीस है, SC ST EWS के लिए 250 की फीस मांगी गई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, 23 नवंबर 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है। अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है, तो आप यहां से लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे एंड यहां से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके 23 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।